हाय आर्यन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन यूरोपीडिया। गुड मॉर्निंग सर। आर्यन, मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ फॉर योर सिलेक्शन इन अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इन यूपी RUVNL। सो यस कंग्रेचुलेशन सर, टू थैंक यू यू एंड सर, योर एंटायर फैमिली। थैंक यू सर। अच्छा आर्यन, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आपका ये जॉब लगा है जो ड्रीम जॉब होती है स्टूडेंट्स के लिए। मैं आपसे यस इंटरेक्शन सर। करना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी कैसी थी, आपने कैसे कैसे प्रिपरेशन किया, कहाँ पे गलतियां हुई, कहाँ पे आप बच्चों को एडवाइस करोगे, और इस पूरी इंटरेक्शन का पर्पस होगा स्टूडेंट्स को गाइडेंस देना और उनको मोटिवेट करना कि वो कैसे आगे अपने लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और ऐसी जॉब्स में जा सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आर्यन आपकी बैकग्राउंड से। आप प्लीज हमें बताएं कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, और आपने ग्रेजुएशन कब किया, और आपकी जर्नी यहाँ की सिलेक्शन तक की जर्नी कैसी रही थी? यस सर, 2016 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बिजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ओडिशा से। उसके बाद सर मेरा TCS में हुआ था, लेकिन हम नहीं गए कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। उसके बाद मैं सर अपने होम टाउन में ही टीचिंग स्टार्ट किया, और ऐसे सर 3 साल तक चला, लेकिन मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। तो फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। 2020 में मैंने एग्जाम दिया इसरो का, तो वो सर रिटर्न हो गया क्लियर। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू नहीं हो पाया क्लियर। लेकिन उसी बीच में सर मेरा सर इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्री क्लियर हो गया, और गेट में मेरा 473 रैंक था 2021 में। तो मैंने सर IIT दिल्ली ज्वाइन किया, लेकिन उनका जो सेमेस्टर एग्जाम था और इसका इंजीनियरिंग सर्विस का मेंस एग्जाम एक साथ था, तो हमें दोनों में से कोई एक चूज करना था। तो मैंने प्रोफेसर से बात भी किया, तो बोला कोई एक चूज करो, क्योंकि IIT में रह के पढ़ नहीं पाओगे कंपटीशन के लिए IIT दिल्ली में। तो उसके बाद मैंने सर IIT को ही ड्रॉप कर दिया और इंजीनियरिंग सर्विसेज का दिया, लेकिन मेंस नहीं हो पाया। उसके बाद सर UPSC लेक्चरर का आया था, उसका भी इंटरव्यू अटेंड किया, वो भी नहीं, मतलब इंटरव्यू में नहीं हुआ, क्वालिफाई नहीं कर पाया। और 2022 में सर ES का इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू तक गया, उसमें भी नहीं हुआ। तो ये सर 4 इंटरव्यू हुआ। उसके बाद सर SSC JEE में मेरा हो गया, प्री निकला और मेंस के लिए प्रिपेयर किया। तो अभी सर CWPRS में एज ए जूनियर इंजीनियर है, और सर UPRVNL का दिया, तो उसमें सर अच्छा मार्क्स आया रिटर्न में, और इंटरव्यू भी अच्छा हुआ, तो वहाँ हो गया। और एक सर मेरा BPSC AE में भी हो गया, इसी वीक रिजल्ट आया उसका। अच्छा, तो आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में हो गया, यस सर, ये किस में हुआ आपका? ए, एडवर्टाइजमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। अच्छा, एज असिस्टेंट इंजीनियर। यस सर, अरे बहुत बढ़िया, तो आप आर्यन बिहार से ही हैं, कहाँ से हैं आप? यस सर, बिहार से है, कटिहार जिला। अच्छा, तो अभी आपको BPSC में भी हो गया असिस्टेंट इंजीनियर और आपका UPRUVNL में भी हो गया, तो कहाँ ज्वाइन करने का चल रहा है अभी? सर अभी एक्चुअली हम सर सीनियर से पूछेंगे, क्योंकि मेरा अच्छा, सर ड्रीम जॉब है पावर प्लांट में जॉब करना, लेकिन ये थोड़ा प्रेस्टिजियस जॉब है BPSC का, तो ये तो दोनों में BPSC सर में कौन से डिसाइड। डिपार्टमेंट में हुआ है, क्या बता रहे थे आप? यस सर, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, और आप बिहार ही स्टेट है आपका। यस सर, अच्छा आर्यन, तो ये मेरे को ये बताइए, आपने जैसे बताया कि साहब आपके कुछ इंटरव्यूज नहीं हुए, आप इस इंटरव्यू में नहीं हुआ, उसमें नहीं हुआ, फिर आपके जब निकलना स्टार्ट हुए तो एक ही साथ ही निकलना स्टार्ट हो गए। आपका यस सर। पहला इंटरव्यू कब हुआ था, कौन से ईयर में दिया था आपने जिसमें आपका नहीं हुआ? सर July 2, 2021 इसरो का इंटरव्यू था, अच्छा, पहला तो इंटरव्यू। 21 से आपने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया, इसरो का नहीं यस सर, हुआ, और कौन सा नहीं हुआ, अगर हम उस तरीके से एक बार उसको कर सकें, यस सर। इसरो उसके का नहीं बाद हुआ। UPSC, यस सर, UPPSC का लेक्चरर का नहीं हुआ दूसरा अच्छा इंटरव्यू, और तीसरा इंजीनियरिंग सर्विसेज का नहीं हुआ। अच्छा हाँ, ये तीन और इंटरव्यूज इन सब में आपके। सर, यस सर, एक चीज कॉमन था कि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया इंटरव्यू का उतने अच्छे से। तो इस बार जैसे आया मेरा UPRVNL का, तो मैंने सबसे पहले आपका ज्वाइन कर लिया, तो वो ज्यादा सही रहा। अच्छा आर्यन, मैं इस पॉइंट पे आपसे एक डिस्कशन करना चाहूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस सर, नो डाउट योरपीडिया एक प्लेटफॉर्म है जो इंटरव्यू की गाइडेंस देता है, और मैं यहाँ पे कोई अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ, और इसलिए नहीं कि स्टूडेंट भाई वो करें, लेकिन मेरे को बहुत बड़ा ये गैप लगता है कि स्टूडेंट रिटन एग्जाम की तो तैयारी करता है,
लेकिन जहां इंटरव्यू की बात आ जाती है ना, वहां पे उसको थोड़ा या तो कैजुअली ले लेता है या उसको पता नहीं है, क्योंकि मेरे को स्ट्रांगली लगता है आर्यन कि आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि साहब दो मॉक दे दिए और इंटरव्यू की तैयारी हो गई, आपको बार 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 प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें जब आप अंदर घुसोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और वो चीज अभी लैकिंग है। आपका इसके बारे में क्या मानना है? तो सर सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि सबने पहले डिसाइड कर लिया है कि इंटरव्यू लक बेस्ड होता है, ऐसा नहीं है। हाँ वो हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा, वो भी रिटर्न की तरह ही होता है। और आपका योरपीडिया का सर इंटरव्यू से ज्यादा उसका स्नैप मैटर करता है। अब जितनी बार स्नैप स्नैप। देखेंगे ना, हाँ यस सर, तो वो ज्यादा आई एम बेनिफिशियल। रियली इम्प्रेस्ड एंड थैंकफुल टू यू इस पॉइंट को रेज करने के लिए, बिकॉज स्टूडेंट अभी तक भी स्नैप और मॉक में रेलिवेंस नहीं समझ पाया। स्नैप है कि भाई साहब इतनी प्रैक्टिस कर ली जाए, जैसे सपोज अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है तो आप बार बार आओ, बार बार आओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, और फिर एक दिन ऐसा आएगा आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कॉन्फिडेंस आ जाए, वो स्नैप है। यस सर, और ऐसा करना बहुत जरूरी है आर्यन। यस सर, दैट इज अ पॉइंट एक्चुअली। अच्छा फिर आपका आर्यन, अब 3 4 बार आपका इंटरव्यू नहीं हुआ, फिर आपके इंटरव्यू निकलना स्टार्ट हो गए। अब मैं दूसरी तरफ आपकी तरफ आता हूँ कि जो आपके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, अब देखो इसरो में 2021 जुलाई में हुआ था, आप हर इंटरव्यू का थोड़ा थोड़ा जो एक्सपीरियंस बच्चों को जानना चाहिए उतना बता दें कि साहब इसरो में ऐसा हुआ था, इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसे ऐसे मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, उत्तर प्रदेश लेक्चरर में ये हुआ था, थोड़ा थोड़ा बता दें, फिर हम मेन इंटरव्यूज की तरफ चलते हैं आपके। यस सर, 2021 में इसरो में सर 5 सब्जेक्ट था, हाँ तो जी। इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ। ज़्यादातर बोर्ड पे था, जो भी क्वेश्चन पूछा बोर्ड पे था, हाँ लेकिन जी सर मैंने प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट नहीं किया था। और दूसरा, मेरा कभी मॉक नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, डायरेक्ट पहुंच गया था इंटरव्यू रूम में, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, बिना मॉक का नहीं होता है। और उस समय सर पैंडेमिक भी था तो, और उतना आइडिया नहीं था, पहली बार थे तो उतना गाइडेंस नहीं था तो। और दूसरी बार में यूपीपीएससी लेक्चरर में सर मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, लेकिन रिटर्न में मेरे कम मार्क्स, इसीलिए नहीं हुआ, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सारे आंसर कर दिए थे, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे थे उत्तर प्रदेश वाले में। और उसके बाद सर इंजीनियरिंग सर्विसेज में, मेरे से टेक्निकल नहीं पूछे कुछ भी, वो हमारे जनरल शुक्ला सर थे चेयरमैन, तो उनका ज्यादातर डिफेंस से क्वेश्चन था। अच्छा और यस सर, तो हमें जितना आया हम बताए, उनमें उसमें मेरा कम नंबर आया, 98 आया आउट ऑफ 200। और ये UPRVNL में सर मेरा प्लस पॉइंट ये था कि उसमें जो 4 पैनल थे ना, एक पैनल हमारे CWPRS के ही थे, मतलब अच्छा पहले यहाँ पे जॉब किए थे। हाँ, तो वो मेरा प्लस पॉइंट था, और वो इंटरव्यू ठीक था, अच्छा था, यूपीएस ये IIT कानपुर में। यस सर, अच्छा आपसे जानेंगे आर्यन कि आपने यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया, आपने पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट का भी इंटरव्यू दिया, आपने बिहार यस पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू दिया, आपने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू दिया, आपने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी इंटरव्यू दिया। क्या डिफरेंस लगा आपको यूपीएससी के इंटरव्यू जब आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज का दिया और पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द स्टेट्स में, क्या डिफरेंस लगा? सर, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का है तो वो सर ज्यादा डीप पूछते हैं वो, अच्छा। मतलब, और सर ज्यादा रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका वैसा नहीं है, वो ज्यादातर हमारा जो सिलेबस है वहीं पे जाते हैं, उतना ज्यादा डीप में नहीं है, तो ये डिफरेंस, मेन डिफरेंस। अच्छा, ये जो चेयरमैन होते हैं इन पब्लिक सर्विस कमीशन में, ये नॉर्मली टेक्नोक्रेट नहीं होते, ये कोई टेक्निकल बैकग्राउंड के हो ऐसा नहीं यस होता, तो इनके क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं जो ये पूछते हैं? सर, मुझसे जो पूछा गया यूपीपीएससी में सर, उन्होंने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, केवल इंट्रो मेरा लिया, और जो टेक्निकल टीम था वहां पे हमें ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। लेकिन इसमें यूपीएससी में जो है मेन चेयरमैन थे, तो उन्होंने ज्यादा टाइम लिया, और हमसे इंडिया उस समय सर चाइना का पूरा अरुणाचल प्रदेश में कुछ हुआ था, तो उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन था। और मेरा सर मेन था क्या ना, कि जो हमने प्रेफरेंस चूज करते हैं ना, तो बीआरओ का नेक्स्ट पेज में छप गया था वो पहला, तो उनको लगा कि मैंने पहला प्रेफरेंस बीआरओ का दिया था, अच्छा। इसीलिए ज्यादातर क्वेश्चन बॉर्डर रोड से था, लेकिन वो मेरा लास्ट प्रेफरेंस था, तो ओके। ये। अच्छा, अब आर्यन जैसे यहाँ पे यूपीडीए प्लेटफॉर्म पे ना बच्चे आते हैं ये जानने के लिए कि इंटरव्यू का डिटेल क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए थे, तो क्योंकि आज का जो इंटरेक्शन मैं आपसे कर रहा हूँ वो यूपीआरयूवीएनएल का है,
और रिसेंटली आपने बिहार सर पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू दिया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आर्यन की अगर आपको जो याद है क्वेश्चन वो बहुत क्लियरली कि साहब ये क्वेश्चन मेरे से UPRUVNL में पूछे गए थे जब मैं अंदर एंटर किया तो इतने लोग बैठे थे और पहला क्वेश्चन ये इस तरीके से आया, वो थोड़ा हमारे साथ डिटेल में UPRUVNL का पहले डिस्कस करें। जैसे ही हम एंटर किए तो उन्होंने एक लिस्ट दिया, लिस्ट में लिखा था नाम, आपका कॉलेज क्या है, आपका अगर हायर क्वालिफिकेशन है या आप कहीं जॉब करते हैं तो इसके बारे में बताना था, बस चार या पांच थे उसी को देख के बताना। और उसके बाद हम जेई में थे तो उन्होंने पूछा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ के क्यों आना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट में। तो मैं बोला सर मेरा वहाँ जूनियर इंजीनियर है लेकिन हम बीटेक है तो हम असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो बोले ठीक है आपसे तब बीटेक लेवल का सवाल पूछेंगे। तो वो हमें बोर्ड था और मार्कर दिए और बोले कि आप रैंकाइन साइकिल विद रीहीट बनाइए। तो बनाए तो फिर बोले कि अच्छा इसका टेम्परेचर जो कंडेंसर का है वो कितना हो सकता है। हम बोले सर 20 डिग्री, यूरोपियन में ज्यादातर 20 डिग्री रहता। बोला नहीं आप इसके अभी परस्पेक्टिव बताइए अभी कितना टेम्परेचर होगा हमारा इन्वायरमेंट का। उस समय सर मुझे लगा 32-33 डिग्री होगा वहाँ पे IIT कानपुर में। तो हमने बताया बोला अब बताइए कितना होगा। तो हम बोले सर 40 डिग्री। बोला यस ये ठीक है। उसके बाद सर और उन्होंने पूछा कि हमारा कंडेंसर में जो इंट्रॉपी डिफरेंस होगा वो कितना होगा बिना किसी डेटा का, आप अपना अनुमान से बताइए। तो हम सर बहुत सोचे फिर बोले सर इसका अगर लेटेंट हीट पर पता चल जाए ना और 313 जो हमारा केल्विन होगा 40 डिग्री का अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा उतना। बोला ठीक है। उसके बाद सर जो दूसरा टीम थे उन बोला कि आपका प्रोजेक्ट क्या था बीटेक में। तो हमारा सर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हीप हीप प्रोसेसेस का था। उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन से सवाल पूछे, कुछ के आंसर कर पाए कुछ के नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने कॉन्वेक्सिटी का पूछा था, बहुत पहले पढ़े थे तो नहीं बता पाए। और लेकिन ज्यादातर सवाल बता दिए। और हमारे जो CWPRS में थे जो पहले के, तो वो हमारे ऑफिस का सवाल पूछे कि वहां पे ये सर है या नहीं है इन सब के बारे में। तो ये था। उसके बाद फिर हमने मैथ्स पढ़ाया है 3 साल, 3.5 साल तो बताया था उन्हें। तो उन्होंने फिर मैथ्स से सवाल पूछे मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं और वेक्टर वेरिएबल का कैसे निकालते हैं। सर वेक्टर वेरिएबल कभी सुने नहीं थे। तो उन्होंने बोला जो एक्स वाई होता है ना टू वेरिएबल उसे ही वेक्टर वेरिएबल बोलते हैं। तो उसका बताएं। तो यही 10 से 15 मिनट तक चला। फिर बोले अब जाइए। तुमको क्या लगता है अंदर जो पैनलिस्ट थे वो कौन सी बैकग्राउंड्स के थे, कौन कौन लोग थे? सर ऐसे कुछ लिखा नहीं था लेकिन बाहर जो अटेंडेंट थे उनसे पूछे तो बोले कि एक IIT कानपुर से है, एक अलाहाबाद से है MNIT से, और एक IIT बॉम्बे से है, और एक पैनल ये है सर CWPRS वालों के लिए बोल रहे होंगे कि एक किसी कंपनी से है। मतलब लार्जली एकेडमिशियन थे प्रोफेसर्स। यस सर चारों वही थे ऑलमोस्ट। यस सर अच्छा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जब हुआ था तो उसका कैसा था एक्सपीरियंस? नहीं सर उसमें इस बार इंटरव्यू नहीं है, उसका अच्छा डायरेक्ट है, केवल रिटर्न है और 1:1 बुलाया DV के लिए बस अच्छा यही। अच्छा उसमें बिना यस सर इंटरव्यू के ही हुआ था। यस सर अच्छा आर्यन जैसे आप जॉब भी कर रहे हैं और आपने जॉब की भी थी पहले, तो कई बार ये क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं कि अगर हमारा जॉब एक्सपीरियंस है सर तो हमें सब्जेक्ट पढ़ के जाना चाहिए या हमारा जॉब से ही क्वेश्चन आएगा। जैसे आपने टीचिंग का जॉब किया और उसके बाद आप प्रेजेंटली आप एक जॉब कर रहे हैं, तो क्या उनको सब्जेक्ट थ्योरी पढ़नी चाहिए या वो जॉब के ऊपर ही फोकस करना चाहिए ज्यादातर? सर 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ना है इंटरव्यू के लिए, मोर देन सफिशियंट है। लेकिन अगर ये आपसे रिलेटेड है तो और अच्छा है। जैसे अभी सर मैं वर्कशॉप में हूँ तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अगर पढ़ के जाए और टीचिंग से किया तो मैथ से हमारा सवाल आता है हर जगह। जैसे हमारा UPPSC में नहीं आया था लेकिन ES में पूछे थे हमसे सवाल मैथमेटिक्स के, और इसरो में भी पूछे थे। तो ये सर पूछते हैं आपने अगर पहले कुछ किया है और बेसिक सवाल पूछते हैं वो बिना प्रिपरेशन का भी आप बता सकते हैं। और जॉब भी अगर आप ठीक से कर रहे हैं समझ के कि कैसे वहां पे काम चलता है तो आप बता सकते हैं, इसके लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन उससे रिलेटेड किताब जरूर पढ़ के जाइए जैसे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, क्योंकि वहां पे सब काम तो नहीं होता है लेकिन वो पूछेंगे और बोलेंगे कि आपको पता होने चाहिए। अच्छा आप आर्यन आप जैसे जॉब कर रहे हैं तो आप क्या ये उन लोगों को बता सकते हैं जो जॉब कर रहे हैं कि जॉब से कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन जॉब से रिलेटेड पूछे जाते हैं नॉर्मली? जैसे कोई भी आदमी अगर जॉब कर रहा है, लेट से जूनियर इंजीनियर लगा या कहीं जॉब कर रहा है इंडस्ट्री में, तो उसको क्या तैयार यस करना सर चाहिए जॉब से रिलेटेड? सर सबसे पहले कि वो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है उसका अच्छा पूरा डिटेल मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। और उसके बाद
आप क्या कर रहे हैं, जो आपका रोल है ये पता होना चाहिए, तो ये दो सर जरूरी है। आपको याद है, ध्यान है कि आपसे जॉब से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आप शेयर कर सकें स्टूडेंट्स सर हम अभी जुलाई में ही लगे हैं के साथ? अच्छा, CWPRS में, तो हाँ जी, हमसे जॉब से नहीं पूछे लेकिन CWPRS के बारे में पूछे कि अच्छा। कैसे ये वर्क करती है। जैसे हमारा सर ये मॉडल प्रोटोटाइप का है, जैसे प्रोटोटाइप लाते हैं हम उसे मॉडल में बना के फिर उस पर स्टडी करते हैं, तो और हमारा रोल क्या है, तो हम सर फिजिकल मॉडल बनाते हैं, वर्कशॉप में बनता है, तो यही सवाल पूछे और ज़्यादा डीप नहीं पूछे। तो देखिए, जैसे आप यूपी RUVNL के लिए गए थे और आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यूपी RUVNL इंटरव्यू में जाने से पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स को कौन से सब्जेक्ट तैयार करने चाहिए, तो आप क्या आंसर करेंगे? पावर प्लांट इंजीनियरिंग, वो सर पूरा डीप चाहिए। यस सर। और आपका पर्सपेक्टिव में, मतलब आपका केवल किताबी नॉलेज नहीं, आप कुछ समझ सक मतलब आप जितना समझ सकते हैं वो उतना अच्छा हो। जैसे हमसे सर वो सवाल जो पूछे थे लेटेंट हीट वाला, मतलब इंट्रोपी कैसे डिफरेंस पता कर सकते हैं, तो और भी लोगों से पूछे, ज़्यादातर लोगों ने बोला कि सर बिना डेटा का नहीं कर सकते, लेकिन हमें एक अनुमान पता होना चाहिए। जैसे 100 डिग्री पे सर 2500 होता है किलो जूल पर केजी केल्विन, ये पर केजी होता है लेटेंट हीट। अगर 40 डिग्री पे होगा थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि हम अगर वेपर डोम में देखें तो हम उसे बोल सकते हैं सर अप्रोक्स 3000 के करीब होगा, मतलब एक अप्रोक्स तो बता ही सकते हैं, वो हमारा मतलब नॉलेज तो है इतना, तो इसी से रिलेटेड हो। अच्छा, इंटरव्यू के अंदर आर्यन, आपको क्या लगता है क्या चीज मैटर करती है? बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि साहब अगर मेरा क्वेश्चन कोई गलत हो जाए या मेरे को कोई क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो इंटरव्यू खराब हो जाएगा, आपका क्या मानना है इसके बारे में? ऐसा नहीं है सर, एक्चुअली हमारा एटीट्यूड वहाँ पे देखा जाता है, हम नहीं बता सकते, अगर उसके बारे में कुछ भी पता है तो बता सकते हैं, उसके बाद बोल सकते हैं सर इतना ही आता है। और एक बात सर, इंटरव्यू में टेक्निकल इंटरव्यू में लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, ऐसा नहीं है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है तो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यस में दिए थे इंटरव्यू तो वो बोले कुछ क्वेश्चन पूछे, तो हमारा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, तो वो बोले कि आप किसी भी इंडियन लैंग्वेज में बोलिए, बस समझा दीजिए ये क्या होता है, और हमें नहीं चाहिए, तो ये था, तो लैंग्वेज अच्छा, मैटर नहीं है, नॉलेज मैटर करता है। यस सर। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर ना आए किसी बच्चे को तो कैसे उसको रिएक्ट करना चाहिए वहां पे? सर हम तो बोले थे सर सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस टाइम बट आई हैव रीड दिस, तो मैं इसको पढ़ वो लूंगा दूसरा लेकिन अभी क्वेश्चन मेरे को था। याद नहीं है। यस सर। ओके, इसमें आर्यन कौन सी चीजों को अवॉइड करना चाहिए इंटरव्यू में और किसी पे फोकस रखना चाहिए, अगर आप कुछ पॉइंट्स शेयर कर सकें स्टूडेंट्स के साथ? यस सर, अवॉइड करना चाहिए, उनसे बहस नहीं करनी चाहिए इंटरव्यू पैनल से कि, और आपके पास कितना भी नॉलेज है ना, उनके पास आपसे ज़्यादा है, इसीलिए वो इंटरव्यूअर है, फर्स्ट है। और सेकंड सर, पोलाइटली जो भी आंसर करना है पोलाइटली करना है, बस ये दो है, और बाकी आप पढ़े हैं तो आपके पास नॉलेज हो गई। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं ड्रेसिंग के बारे में, ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए। अब आपने बहुत से इंटरव्यूज दिए हैं, कुछ ड्रेसिंग सेंस के बारे में बताओ कि कैसे डालने, कपड़े कैसे होने चाहिए, क्या करना चाहिए उसके? यस सर, ये UPSC में जब गए थे इंटरव्यू देने तो उस समय मई था, तो बहुत ज़्यादा तेज गर्मी हो रही थी, तो हम फिर भी पूरा ड्रेस में कोट पहन के गए थे ब्लेजर, गुड। तो उन्होंने बोला कि इतनी गर्मी में आप इतना पूरा पहन के क्यों आए, तो हम बोले सर ये कंप्लीट ड्रेस है और इंटरव्यू का यही ड्रेस हम टेक्निकल यही पहन के आते हैं। बोला हाँ वेरी गुड। लेकिन यही जब IIT कानपुर में गए तो वो बोले कि इतनी गर्मी में इतने पहनने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल भी पैंट शर्ट पहन के आते कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सर देखिए डिपेंड देखिए, करता डिफरेंस ये है कि जो IIT कानपुर में आप जॉब के लिए नहीं गए थे, एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए नहीं गए थे, आप वहां पे एज हायर एजुकेशन के लिए गए थे, और IIT इसका सिस्टम थोड़ा सा अलग है, लेकिन है। यस यूपीएससी सर। इस चीज को बहुत वैल्यू देती है कि आप टाई कोट पैंट डाल रहे हो क्योंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हो। यस IIT सर। कानपुर, आप, आपको नहीं पता कि आप बाद में आप एकेडमिक्स में जाओगे, आप कॉर्पोरेट में जाओगे, कहाँ जाओगे, वो एक एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तुम, यू आर इंटरव्यूइंग योर सेल्फ फॉर बिकमिंग अ स्टूडेंट, वहां पे आप ऑफिसर बनने जा रहे हो। यस सर। लेकिन हमें लगता है सर कि पूरा कंप्लीट ड्रेस में जाने चाहिए विद ब्लेजर। यस, यस बहुत सर। से बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं सर मैंने कभी टाई नहीं डाली, मैं उनको बोलता हूँ टाई डालो, क्योंकि वो लोग इस चीज से खुश होते हैं कि आप तैयारी करके आए हो, वो ये देखते हैं यस कि सर। कितने सिंसियर हो आप, और उस चीज का इंप्रेशन पड़ता है आर्यन, दैट इज एक्चुअली यस देयर। सर। तो आर्यन, आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपने सब एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स को, अब हम एंड में आए हैं इंटरेक्शन के,
कोई यस भी सर। मैसेज जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं आप देना चाहें उनको? सर हम रिटर्न के लिए बोलना चाहेंगे कि आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं ना उतना ज्यादा, आप एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर प्रैक्टिस करिए, परेशानी जहाँ पे होती है फिर वो नोट्स को उल्टा के पढ़िए, और नोट्स होना जरूरी है। और इंटरव्यू के लिए तो ज्यादा से ज्यादा स्नैप दीजिए, और जो प्रीवियस स्नैप है उसे देखना भी बहुत जरूरी। मैंने सर 100 से 150 स्नैप देखे 1 वीक में, क्योंकि हमें 10 दिन का ही टाइम अच्छा मिला था, तो हमने 100 से 150 देख लिए, और क्वेश्चन वहीं से आए, पावर प्लांट का ही ज्यादातर देखे थे, तो क्वेश्चन वहीं से है, तो स्नैप बहुत मैटर करता चलिए बहुत अच्छा आर्यन। अब है। आपकी जो पूरी जर्नी है उससे ये क्रक्स मिलता है कि आपने पेशेंस से आप लगे रहे। आप 2020-21 से आपको इंटरव्यूज के अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट हुई इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन में। आज 23 चल रहा है, तो पिछले 2 साल में आप बहुत से इंटरव्यूज नहीं कर पाए और बहुत से इंटरव्यूज आपके सिलेक्शन कर भी पाए। अभी जॉब में बैठे हैं और 2 जॉब्स आपके हाथ में और हैं। यस सर, सो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो सारे बच्चे आपसे सीखें, एंड आई एम वेरी श्योर दे विल ऑल्सो अचीव देयर ड्रीम डेस्टिनेशंस। चलिए आर्यन, आपका अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर अहेड। थैंक यू आर्यन। थैंक यू सर।